गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा था वोइश के, अपन ने जो प्रेजेंट सिंपल टेंस थे उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाले जो सेंटेंस थे उनको अपन ने पढ़ लिया था। आज अपनी क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एज, आर और एन। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। अब इसको पैसिव में जब बदलते हैं तो पैसिव में बदलते समय इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? इस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। ये अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यही है। उसके बाद यही साइक्रिया अकॉर्डिंग सब्जेक्ट साइक्रिया लग जाती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस लग जाएगा, प्लूरल नंबर है तो आर लग जाएगा और आई है तो एम लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास मेन बात आती है क्या, अब तक अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पढ़ा था हमने इसके जस्ट बाद में हमने एंड ऑन भी थर्ड फॉर्म लगाई थी, लेकिन यहाँ क्या है अपने पास प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को अपन क्या करेंगे, इसमें हम आईएनजी फॉर्म को हटा देंगे, इसका प्रयोग करेंगे बीइंग का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बदलाव क्या किया आपने, केवल आईएनजी फॉर्म को हटा करके बीइंग का प्रयोग किया, बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, बाकी के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब अपन ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो एक्टिव वॉइसेस हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, जैसे सुनीता इज राइटिंग ए लेटर नाउ, सुनीता इज राइटिंग ए लेटर नाउ, सुनीता इस समय एक पत्र लिख रही है। अब इसका पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे अपन, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हम साइक्रिया लिखेंगे, तो साइक्रिया क्या है, इसकी ए लेटर क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर हमारे यहां से क्या होगा, एज, ए लेटर एज। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, आईएनजी फॉर्म को हटाएंगे और किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का, एज बीइंग, फिर मैन ऑफ द थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटन, प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, बाय। ठीक है, यहां बाय और सुनीता और एडवर्ब क्या है, नाउ, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय सुनीता नाउ, इस समय सुनीता द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, इस समय सुनीता द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, ये एक्टिव जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस है इनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपने पास ये फॉर्मूले काम में लेते हैं, जैसे यू आर प्लेइंग चेस इन द मोबाइल, तुम मोबाइल में शतरंज खेल रहे हो, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस प्रोसेस में आपको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, चेस, तो चेस। अब जो गेम्स होते हैं वो गेम्स कभी प्लूरल नहीं होते, गेम्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो चेस इज बीइंग प्लेड
by you in the mobile या on mobile, ठीक। इसी तरह से they are washing cars, they are washing cars। तो पैसिव वॉइस बनेंगे तो क्या करेंगे, क्लास क्लास एक बचन है बहुवचन, बहुवचन है तो आर आई को डालेंगे क्या करेंगे, बीइंग, मैन की थर्ड फॉर्म बाय मदर इज कुकिंग राइस, मदर इज चावल पका रही है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो राइस। अब चावल एकवचन है या बहुवचन, चावल एकवचन है या बहुवचन, चावल एक चावल थोड़ी है, बहुत से चावल है इसलिए प्लूरल होता है, लेकिन नहीं, खाने वाली चीजें जो होती है वो कभी भी प्लूरल नहीं होती, वो सिंगुलर होती है, ठीक है। तो राइस इज बीइंग कुक्ड बाय मदर, ठीक है। ये काउंटेबल नहीं है, इनकी संख्या को गिना नहीं जा सकता है, ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल पर होने की वजह से इनको सिंगुलर माना गया है। तो इस प्रकार से अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अपन तैयार कर सकते हैं। अब बात आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई खास फर्क नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहां नोट का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम होते हैं। तो जैसे एक्टिव वॉइस है, मोहन इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, मोहन इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, मोहन दवाइयां नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो मेडिसिन, मेडिसिन से एकवचन या बहुवचन, इसको एकवचन नहीं मान सकते, जैसे आपने रॉयस को एकवचन मान लिया वैसे इसको एकवचन नहीं मान सकते, क्योंकि मेडिसिन अलग अलग काइंड की आती है, अलग अलग प्रकार की आती है, ठीक है। तो कंपल्सरी नहीं है कि वो सारी दवाइयां एक जैसी हो, वो सारी अलग अलग है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, आ नॉट आई एन जी को डाल दिया, बीइंग माइनर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म लगा दी, टेकन प्रीपोजिशन लगा दिया, बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया मोहन, मेडिसिन आर नॉट बीइंग टेकन बाई मोहन, मोहन के द्वारा दवाएं नहीं ली जा रही है। एक्टिव वॉइस है, द टीचर इज नॉट चेकिंग कॉपीज, अध्यापक कॉपियां जांच नहीं कर रहे हैं, और इसका पैसिव बनाएंगे तो कॉपीज, और कॉपीज क्या है प्लूरल नंबर, कॉपीज आर नॉट बीइंग चेक्ड बाय द टीचर, कॉपीज आर नॉट बीइंग चेक्ड बाय द टीचर, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम,
इस समय तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या सुनाएंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्रिकेट सिंगुलर या प्लुरल? गेम होते हैं वो कभी प्लुरल नहीं होते, सिंगुलर होते हैं। तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू एट दिस टाइम। इस समय तुम्हारा द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है। तो इस प्रकार से अपने जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के जो एक्टिव से पैसिव में बदलने वाले जो तरीके हैं वो इस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से अपन उनको बना सकते हैं। बेटा हमेशा ध्यान रखना, हिंदी वाक्यों में कर्ता, कारण और क्रिया इस प्रकार से आती है, तब जाकर के वाक्य होंगे। लेकिन अंग्रेजी वाक्यों में कर्ता की जगह कर्ता आएगा, कर्म की जगह क्रिया आ जाएगी और क्रिया के बाद क्या आ जाएगा? कर्म, जिसको अपन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद ये जो चीजें हैं एडवर्ब्स हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, कोई भी उन एडवर्ब्स और कॉम्प्लीमेंट को आप छोड़ दो, बाकी आपको करना क्या है, जैसे यू आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, नेगेटिव के लिए नोट का प्रयोग हो गया, इन दोनों चीजों को छोड़ करके मैंने भी बताया सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आने वाला क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, या तो कोई एडवर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, ये चीजें आगे आ सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है ये ऑब्जेक्ट की पहचान करना सीखो कि ऑब्जेक्ट क्या है और कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, उस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के जो अपन ने एक्टिव से पैसिव बनाए हैं उनको एक बार फिर से आप रिपीट करो, और उसके बाद अगली क्लास में अपन देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव में जो दोनों प्रकार के हैं हेल्पिंग वर्ब वाले और डब्ल्यू एच वर्ब वाले, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।